ये तस्वीरें एशिया के सबसे बड़े एयर शो की हैं, जिससे भारत के शौर्य और आत्मनिर्भरता का डंका दुनिया भर में बजाया। बेंगलुरु में आयोजित हुए एयर इंडिया शो में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्टों का दम देखते ही बन रहा है। आसमान में जब ये विमान गरजे तो लोगों को रोमांच से भर दिया। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आज समापन है। खाने पीने का शौक रखने वालों के लिए आई गुड न्यूज। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां इन दिनों सी फूड शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की इस भीड़ से बात का सबब है कि फूड शो का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई तरह के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। फरवरी जिस तारीख का इंतजार शिव भक्तों को बेसब्री से है, क्योंकि दिन आ गया शिव की बारात का। देश भर में सिरेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो वहीं उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर खास आयोजन किए जा रहे हैं। दरअसल क्षिप्रा नदी के अलग अलग घाटों पर 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जिसे लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी की जा चुकी है। ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं, जहां श्याम दरबार में हाजिरी लगाने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पहुंचने पर फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंदिर में दर्शन कर ओम बिरला ने देश के लिए सुख और समृद्धि की कामना की और मंदिर में 121 फीट ऊंचा ध्वज चढ़ाया। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आया। ये तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने नताशा स्टैनकोविक के साथ फिर से शादी कर ली। हिंदू रीति रिवाज से ये शादी संपन्न हुई। हार्दिक ने साल 2020 में नताशा के साथ कोर्ट मैरिज की थी। अब एक बार फिर दोनों ने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई हैं। आशा से भरी ये तस्वीरें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की हैं, जहां विदेशी मेहमान के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। मिस इंग्लैंड जेसिका एशले गेगन स्वर्ण मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने माथा टेका और अरदास की। इसके बाद जेसिका मीडिया से भी मुखातिब हुई और अपनी खुशी का इजहार किया। आसनसोल से छात्रों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। यहां पुलिस महकमों ने 14 कॉलेजों और जिला लाइब्रेरी को यूपीएससी एग्जाम से जुड़ी किताबें सौंप दी हैं। दरअसल यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को कोचिंग संस्थानों को मोटी रकम देनी पड़ती है, लेकिन प्रशासन की सराहनीय पहल के बाद छात्रों को कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचेगा। यहां छात्रों को यूपीएससी परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आस्था और उमंग की ये तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की हैं, जहां बैंडबाजों और ढोल की थाप के बीच विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में अलग अलग तरह की झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही और भक्त झूमते गाते हुए नजर आए। कामयाबी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं, जहां ये किसान दंपति हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। दरअसल यहां की पथरीली जमीन इन्होंने चीकू की खेती कर लोगों को आपदा में अवसर खोजने का तरीका सिखाया और आज ये इससे अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं।